Yes, student, this is part 2. In part 1, we have discussed about the rivers of southern plateaus. यहाँ पर main river जो है वो है गोदावरी river, जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो second largest river है after गंगा, यानी गंगा पहले number पे आती है और ये जो है महाराष्ट्र और other states को cover करती है. इसके बाद हम जाते हैं southern plateaus का क्लाइमेट कैसा है, मतलब वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, कब विंटर्स होते हैं और कब वहाँ समर होता है. सदर्न प्लेट्यूज जो है वहाँ पर रेनफॉल मॉनसून सीजन में होता है, जो कि जून से अक्टूबर का टाइम होता है, यानी जून महीने से लेकर अक्टूबर तक के महीने में यहाँ पर रेन होती है. इसके साथ साथ मार्च और जून जो है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, मतलब उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है मार्च से लेकर जून तक. जून के बाद अक्टूबर से फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ऊपर तक इजीली राइज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस. और विंटर सीजन जो है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक के महीने में चलता है. तो आप देख रहे हैं नवंबर से फरवरी जो है वो विंटर सीजन होता है, उसके बाद मार्च से लेकर जून तक हॉट यानी समर सीजन, और जून से अक्टूबर तक यहाँ पर रेन होती है. इसके बाद हम जानते हैं यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में. वेजिटेशन यानी किस तरह के यहाँ पर मतलब किस तरह के प्लांट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पर ग्रो होते हैं, और यहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी किस तरह के यहाँ जानवर पाए जाते हैं. क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पर इस ट्रीज जो मिलते हैं वो होते हैं ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी चंदन, मैंगो, जैकफ्रूट यानी कि कटहल, बैम्बू एंड बेनियन ट्री. इस ये सारे ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं यहाँ के जंगलों में. इसके बाद यहाँ के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर रोजवुड, महोगनी, बैम्बू एंड ईबोनी जैसे ट्रीज भी पाए जाते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट में है. और जो वाइल्ड एनिमल इस एरिया में यानी सदर्न प्लेट्यूज में मिलते हैं वो हैं एलिफेंट, डियर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर. देखिए यहाँ पिक्चर में आपको स्पॉटेड डियर दिखाया हुआ है, मतलब हिरन, डियर को हिंदी में हिरन बोलते हैं, इसके ऊपर स्पॉट्स बने होते हैं. फिर नील गाय, ब्लैक बक काला हिरन जिसे हम बोलते हैं, एंड स्लॉथ बियर, ये सारे एनिमल्स हमारे सदर्न प्लेट्यूज में हमें देखने को मिलते हैं. इसके बाद हम जानेंगे यहाँ की सॉइल के बारे में. सॉइल यानी यहाँ की मृदा, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं. यहाँ पर दो तरह की सॉइल होती है सदर्न प्लेट्यूज में, पहली ब्लैक सॉइल, दूसरी रेड सॉइल. इनके नाम में ही इनका डिस्क्रिप्शन है. ब्लैक सॉइल जो होती है वो ब्लैक होती है कलर में, और रेड सॉइल जो होती है वो कलर में रेड होती है. ब्लैक सॉइल जो है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में पाई जाती है. इस सॉइल में यानी इस मिट्टी में कॉटन, जिसे हम रुई कहते हैं, शुगर केन यानी गन्ना, ग्राउंडनट्स, मिलेट्स, ऑयल सीड, राइस एंड वीट, ये सभी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, इन सभी की खेती की जाती है. और रेड सॉइल जो कि कलर में रेड कलर की होती है, ये तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स में पाई जाती है. यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनमें होता है मिलेट्स, पोटैटो यानी आलू, राइस, वीट एंड शुगर केन. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर्स में दिखाई हुई है, दिस इज रेड सॉइल, देखिए ये रेड है कलर में. सिमिलरली दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ब्लैक सॉइल, यू हैव टू राइट द आंसर, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज शोन इन द पिक्चर, दिस इज ब्लैक इन कलर, सो दिस इज ब्लैक सॉइल. उसके साथ साथ सेकेंड वन क्वेश्चन इज नेम द क्रॉप्स दैट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, इस तरह की सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, यानी कौन कौन सी फसल उगाई जाती है. इसमें आएगा आपका कॉटन, शुगर केन, राइस. आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आपने जो पढ़े हैं ग्राउंडनट, मिलेट्स, ऑयल सीड एंड वीट एज वेल. सो स्टूडेंट दिस इज चैप्टर 7, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, कुछ नहीं है. सदर्न प्लेट्यूज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ तक वो एक्सटेंड कर रहे हैं, कौन कौन सी रिवर्स इस एरिया में फ्लो होती है, इसके साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट जो है, कौन कौन से मंथ में यहाँ रेनफॉल होती है, कब गर्मी होती है और कब सर्दी होती है, एंड द लास्ट वन किस तरह की यहाँ पर सॉइल पाई जाती है. होप यू लाइक द वीडियो एंड होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच.